आपको लाइन में खड़ा करते हैं, ये आपने बिल्कुल सच बोला, आपको लाइन में खड़ा करते हैं, किसान को सही दाम नहीं देंगे, आपकी जमीन छीनेंगे, आपको एक सेकंड भैया, आपकी जमीन छीनेंगे, बारिश ओला गिरेगा, आपको मुआवजा नहीं देंगे, आप बीमा का पैसा दोगे, नुकसान होगा तो आपको अपना ही पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको लाइन में खड़ा करेंगे, कहेंगे काले धन के खिलाफ लड़ाई है, चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ। आप सब लाइन में खड़े हुए थे, माताएं बहनें आई हैं, आप लाइन में खड़ी थी माताएं, नोटबंदी के समय आप सब खड़े थे लाइन में, बैंक के सामने खड़े थे ना, मुझे आप बताओ लाइन में आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दिया? एक खड़ा था उसमें विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में, सूट बूट वाले खड़े थे लाइन में, एक खड़ा नहीं था। फिर कहते हैं काले धन को सफेद करेंगे, अरे भैया किसका काला धन? किसानों का काला धन, ईमानदार युवाओं का काला धन, गरीबों का काला धन, आपको लाइन में खड़ा कर दिया, आपके जेब में से पैसा निकाला और उस पैसे से हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। चौकीदार ने आपको लाइन में खड़ा किया, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, दो तीन दिन के लिए आपने भी सोचा भैया सच बोल रहा है चौकीदार, आप भी गलत समझ गए, एक दो महीने बाद आपको पता लगा भैया चौकीदार ने चोरी करवा दी, हमारे जेब से पैसा निकाला, विजय माल्या, नीरव मोदी, अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया, कहता है काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हिंदुस्तान के सब चोरों का काला धन सफेद करा दिया इसने, कैसा जादूगर है, कमाल का जादूगर है, अमीरों के लिए जादू करता है। इधर शिवराज चौहान जी, मामा जी, उधर चौकीदार, इधर मामा जी, मामा जी कहते हैं, अच्छा सबसे पहले मामा जी के जो बेटा बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, महाकुंभ होता है उसमें मामा जी पैसा बनाते हैं, ई टेंडरिंग में चीफ मिनिस्टर पैसा बनाते हैं और व्यापक पूरे प्रदेश का शिक्षा का सिस्टम नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में अगर कोई गरीब है, अगर कोई ईमानदार युवा है तो वो रोजगार नहीं पा सकता, बिना पैसे दिए, बिना चीटिंग किए आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में पास ही नहीं हो सकते। तो नुकसान किसको होता है? नुकसान गरीब जनता का होता है, आदिवासियों का होता है, आपका होता है, और हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होकर आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, यह फर्क है। आदिवासियों के युवाओं के हॉस्टल में चले जाइए, देखिए क्या हाल है, आदिवासी युवाओं से पूछो, उनके माता पिता से पूछो, जो भी बच्चे को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में डालना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, लॉयर बनाना चाहे, डॉक्टर बनाना चाहे, किसी से भी पूछ लो कि मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में अपने बच्चे को बेटी को भेजना हो तो
तो जेब में से 10-15 लाख रुपए पहले निकाल के दिखाओ, फिर कॉलेज में भेज पाओगे। कोई बीमार होता है, अस्पताल में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, एमआरआई की जरूरत पड़े 1000 रुपए निकाल के दो। और कहीं किस्मत खराब है तो ऑपरेशन की जरूरत हो, दिल का दौरा पड़े या कैंसर हो जाए, पहले लाखों रुपए निकाल के दो। अगर लाखों रुपए नहीं है तो मर जाओ, मर जाओ। यही है मध्य प्रदेश की सच्चाई। एक तरफ 10-15 अमीर लोग जो व्यापम, महाकुंभ, ई टेंडरिंग, इन चीजों से करोड़ों रुपए कमाते हैं, और दूसरी तरफ कमजोर लोग, आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, जिनके पास कुछ नहीं रहता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती, इसलिए हमने एक झंडा दिया। अगर हम दो हिंदुस्तान चाहते तो हम दो झंडे देते। उनके पास है, आरएसएस के पास दूसरा झंडा है तैयार, उनके पास दो झंडे हैं, हमारे पास सिर्फ एक झंडा है। और इस झंडे के लिए सबने कुर्बानी दी है। इस झंडे में बिरसा मुंडा जी का खून है, उन्होंने कुर्बानी दी। और अगर ये आज यहां लहराता है, अगर आज ये इस पहाड़ पे लहरा रहा है, तो उनकी मदद से ये लहरा रहा है। तो हम आपको भूलने वाले नहीं है, हम आपको भूलने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के हर आदिवासी को लगेगा कि 15 साल बाद आदिवासियों की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जाने, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल तेल का दाम था इंटरनेशनल मार्केट में, आज तकरीबन $70 प्रति बैरल हो गया है, मतलब आधा हो गया है। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब अजीब सी बात है, दुनिया की मार्केट में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके जेब में से पैसा निकल रहा है, आप मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, गाड़ी में, ट्रक में पेट्रोल भरते हो, थोड़ा सा आपका पैसा पेट्रोल भरने में जाता है, बाकी आपका पैसा अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के जेब में जाता है। और लाखों करोड़ रुपए आपके सीधा उनके जेब में जाते हैं। हमारी सरकार आपको मदद करने वाली सरकार होगी। हम पैसा कानून, आदिवासी बिल, भोजन का अधिकार, मनरेगा, इन सब चीजों को एक बार फिर लागू करेंगे, चालू करेंगे, और आपके लिए। और जो हमारे आदिवासी युवा हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए, आदिवासी परिवारों के लिए मुश्किल होता है, तो उनके जो हॉस्टल्स हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। और आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए,
उनके युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे कि आप भी अपने बच्चे को, बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भिजवा पाओ, कम से कम पैसे देकर भिजवा पाओ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए मेरी बात सुनने। मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता बनाना नहीं चाहता और मैं यहां आके आपको 30-40 वायदे नहीं करना चाहता। मोदी जी आए थे, शिवराज जी आते हैं, शिवराज जी ने 20,000 घोषणाएं की हैं, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, 15 लाख रुपए देने की बात करते हैं, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं, अलग 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 वायदे करते हैं, मगर 5 साल में उन्होंने एक वायदा नहीं पूरा किया। मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ एक बात कहने आया हूं कि मेरी नियत साफ है और मैं दिल से आपके साथ काम करना चाहता हूं। आप चले जाओ, आप मोदी जी के यहां चले जाओ, प्रधानमंत्री हैं देश के, आप उनसे जाकर 5 मिनट मिलके आ जाओ मुझे, 5 मिनट। कोई भी आदिवासी उनके ऑफिस में जाके 5 मिनट प्रधानमंत्री से बात करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। आदिवासी छोड़ो, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, मतलब जो सूट-बूट वाले नहीं, अनिल अंबानी जैसे लोग, उनको छोड़कर उनके प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाके दिखा दो, मैं मान जाऊं। 5 साल हो गए आपने प्रधानमंत्री की हजारों फोटो देखी, ओबामा जी के साथ देखी, यूएस के राष्ट्रपति के साथ देखी, जापान के राष्ट्रपति के साथ देखी, अनिल अंबानी के साथ देखी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के साथ देखी, मगर किसी किसान के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ आपने फोटो नहीं देखी होगी। तो ये फर्क है, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम आप में भरोसा करते हैं, हम आपके बच्चों में भरोसा करते हैं, हम जानते हैं कि अगर आपके हाथ में शक्ति दी गई तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं पूरे हिंदुस्तान को बदल के दिखा दोगे। आखिरी बात मैं आदिवासी युवाओं से करना चाहता हूं, आपका पलायन होता है, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, कोई महाराष्ट्र जाता है, दिल्ली जाता है, गुजरात जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाते हो, रोजगार ढूंढने जाते हो, और गुजरात में तो आपको मालूम होगा पिछले दिनों में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को मारकर गुजरात से भगाया गया। तो मैं जानता हूं कि आपके सामने सबसे बड़ी कठिनाई रोजगार की है, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा।